जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले हैं और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अक्षय मैथ क्लासेस भले ही हैं लेकिन हम इंग्लिश वाला सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है या वीक होते हैं, जैसे नाउन। अब बचपन से ही उसको रटवा दिया जाता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है, डिफिनेशन तो रट लेता लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि ये मार्कर क्या है तो बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है। और अगर बाय द वे टक्कर से बोल भी दिया कि नाउन है तो कौन सा नाउन है ये नहीं पता है। तो फिर इस तरह से डिफिनेशन रटने से फ़ायदा, पंखा चल रहा है मेरे ऊपर, अब ये नाउन है या प्रोनाउन है उसको समझ में नहीं आता कि नाउन है या प्रोनाउन है। और अगर मान लो कि किसी के सुनकर अगर बोल भी देता है कि नाउन है तो कौन सा नाउन है ये नहीं पता है। जिस मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस कैमरे से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर इससे पूछा जाए तो ठीक है नाउन है लेकिन कौन सा नाउन है ये नहीं पता है। तो हम डिफिनेशन रटाने के लिए नहीं आए हैं कि डिफिनेशन रटो, डिफिनेशन रटना है। अरे इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? अगर कहा जाए इंग्लिश स्टार्टिंग में ही हम बोले होंगे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बस कहानी स्टॉप कर दो, यहीं पर स्टॉप कर दो, इसके आगे मत बढ़ो। इंग्लिश लैंग्वेज है और अगर इससे आगे बढ़ोगे तो इंग्लिश का आप कहने में डिफिनेशन क्या से क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज होने के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी आपका, तो सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से इसको हम लोग देते हैं क्योंकि यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल छोड़ो, भारत में हर जगह यह चलता है। भारत में, भारत देश के हर कोने कोने में हिंदी चले चाहे ना चले। हम पहले भी बोले हैं कि भारत में ही बहुत सारे लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आता है। ये सुनकर बड़ी अफसोस आता है कि बहुत सारे वैसे राज्य हैं, उन राज्यों का नाम तो हम नहीं लेते हैं लेकिन हमेशा देखते हैं तो अफसोस आता है कि हिंदी की वजह से ऐसे हुआ। हिंदी, हिंदी सबको आना चाहिए, हिंदी तो कम से कम आना चाहिए, हिंदी सबको। लेकिन होता क्या है कि हिंदी हर जगह नहीं चलता लेकिन इंग्लिश हर जगह चलता है। हर जगह किसी भी राज्य में आप चले जाओगे तो वहाँ का राजकीय भाषा होगा और साथ साथ इंग्लिश मीडियम होगा। तो इस वजह से मजबूरी में हमको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। तो मजबूरी के नाम पे ही हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि नाउन। नाउन क्या है? तो हम लोग नाउन पढ़ चुके थे पहले कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। अब नाम में भी दो नाम होता है, एक हो गया कॉमन नाम और एक खास करके हो गया प्रॉपर नाम। प्रॉपर नाम, तो प्रॉपर नाम को बोलेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाम को बोलेंगे कॉमन नाउन। दो तरह के नाउन, एगो कॉमन नाउन, एगो प्रॉपर नाउन। अब यही दो तरह के नाउन नहीं है, और भी है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये दोनों पहले समझा देते हैं। देखो यो भी, ये भी क्या है? तो कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान, कुछ भी जोड़ दो ना डॉट 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 के खास नाम को, नहीं नहीं इन्हें समझना, खास नाम को हम बोलने जा रहे हैं, खास नाम को न लेकर उसके पूरी जाति का बोध किया जाए, पूरी जाति का बोध किया जाए तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। बस डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के खास नाम को, खास नाम को प्रॉपर, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब बस डेफिनेशन था, डेफिनेशन लिख दिए, काम चला हो गया। आपको डेफिनेशन इतना रट्टा नहीं मारना है, समझना है। पहचान के लिए अगर कहा जाए, इतना अगर आपने देखना चाहते हैं, देखो वैसा चीज जिसे गिना जा सके, सिंपल गिना जा सके और कुछ नहीं, जिसे गिना जा सके, नॉर्मली गिना जा सके, गिना जा सके, वही है कॉमन नाउन, वही है कॉमन नाउन। जैसे मैं
स्पेन की बात करें इसको आप गिन सकते हैं, बुक की बात करें गिन सकते हैं, बॉय की बात करें लड़के को गिन सकते हैं, गर्ल की बात करें गिन सकते हैं, स्कूल गिन सकते हैं, जिन सब चीज़ों को आप गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं। देखो नाउन अगर पहचानना है कि नाउन है क्या, तो किसी भी चीज़ को नाउन कहते हैं। अगर कोई चीज़ है तो डेफिनेशन को गोली मारो। डेफिनेशन जो हजारों साल सैकड़ों साल से चलते आ रहा है अपने जगह पे बहुत अच्छा है, उसको हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा समय बदल रहा है तो जल्दीबाजी में आपको समझने के लिए जिस चीज़ को आप जो चीज़ कहते हैं, चीज़ कोई भी चीज़ हो तो वो नाउन है। कैसे, हम हर चीज़ को साबित करेंगे। मार्कर, शर्ट, पेन, टेबल, कुर्सी, सब चीज़ है, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ है तो नाउन है। एगो सिर्फ अपवाद में छोड़कर, ये पहचानने के लिए आपको हम बता रहे हैं। जैसे नाम, अगर किसी का प्रॉपर नाम हो गया, जैसे कि मान लो राम है, मान लो श्याम है, और यही का है बिहार हो जाए, यूपी हो जाए, इंडिया हो जाए, देश का नाम या नदी का नाम, तो उसका खास नाम है। जैसे रिवर अगर बात करो तो रिवर, रिवर हो गया कॉमन नाम। क्यों? क्योंकि नदियां हम गिन सकते हैं, लेकिन उन नदियों का कोई खास नाम होगा तो नदियों का जो खास नाम है वो हो गया प्रॉपर नाम। स्कूल हम लोग गिन सकते हैं, और स्कूल का कोई खास नाम होगा संत जोसेफ या फिर मान लो मॉडर्न या जो भी स्कूल का नाम है वो हो गया प्रॉपर नाम। लड़कियों को हम लोग गिन सकते हैं, लड़कियाँ गिन सकते हैं, लड़कियाँ गिनी जा सकती है, लेकिन लड़की का जो नाम है डॉली जो भी है, करीना वरीना या जो भी उसका नाम हो, रानी उनी जो भी उसका नाम हो, वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया। उसका जो प्रॉपर नाम है वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो कॉमन मतलब सिंपली जिसे गिन सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी खास व्यक्ति, किसी व्यक्ति के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि नाउन के कितने भेद हैं, तो नाउन के 5 भेद हैं, हम पांचों बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कॉमन अब प्रॉपर में डिफरेंस हम समझा रहे हैं। हम पूरा एक एक करके बताएंगे कि नाउन के 5 भेद हैं, लेकिन अभी नाउन के 5 भेद नहीं, सिर्फ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम बता रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसमें से आपको कहेंगे पहचानने के लिए, जैसे दिस इज राम दे दिया गया, दूसरा हम दे दिए हैं दिस इज गोपाल, हालांकि गलत है, किसी भी नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा। राम इज पुअर थर्ड नंबर में दे दिए, सीता इज ए गर्ल, और राम इज ए बॉय, फिर ही इज ए टीचर, उसके बाद सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, फिर दे दिए हैं दिस इज एन ऑक्स, फिर माई फादर इज ए टीचर, फिर है मिस्टर सेन इज ए डॉक्टर। यहाँ हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कोई विभेद नहीं करने वाले हैं, ठीक है, लिखने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हो इसलिए घेर देते हैं। पहले हम कुछ को ग्रीन कलर से घेरेंगे और कुछ को ब्लू कलर से। ध्यान दीजिएगा, राम गोपाल नाउन है, राम नाउन है, सीता नाउन है, राम भी नाउन है, क्योंकि ये सभी नाम है। राम गोपाल, राम सीता, राम जो भी देख रहे हैं, ये सभी किसी न किसी का नाम है। मिस्टर सेन किसी का नाम है, और ये सभी जो ग्रीन कलर से देखे, कि हम ग्रीन कलर से अंडरलाइन किए, सबके सब नाउन है, ठीक है। इस सब के नाम इसमें हम दे देते हैं सर्कल द नाउन, नाउन को सर्कल करना था, तो जो भी हम सर्कल किए नाउन है। लेकिन ध्यान रहे, जो ग्रीन कलर से हम किए हैं, जो ग्रीन कलर से हम सर्कल किए हैं, ये किसी का नाम है, और अगर नाम है तो जाहिर सी बात है कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। अब कुछ वैसे चीज़ें हैं जो किसी का नाम नहीं है, लेकिन हम उसको गिन सकते हैं। जैसे पुअर को तो गिन नहीं सकते, लड़की को गिन सकते हैं, और किस चीज़ को गिन सकते हैं, लड़का को गिन सकते हैं, और किसको गिन सकते हैं, टीचर को गिन सकते हैं, और किसको गिनेंगे, मदर को गिन सकते हैं, और किसको, बैल को गिन सकते हैं, बैल के अलावा टीचर को गिन सकते हैं, फादर तो फादर होते हैं, डॉक्टर को गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जैसे ब्लू कलर से, तो जो ब्लू कलर से हम सर्कल किए हैं वो वाला कौन नाउन हो गया, कॉमन नाउन।
यही समझाना था कि इसमें से कौन है कॉमन नाउन और कौन है प्रॉपर नाउन। अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा और हम बता देते हैं, कुछ और कुछ एग्जांपल्स देखे और समझा देते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। देखो डेफिनेशन नहीं रटना है, ये यूट्यूब पे है, अगर आप डेफिनेशन रटोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप डेफिनेशन रट रहे हैं। तो कुछ इस तरह से पढ़ाएं जिनमें आपके माइंड में फिक्स हो जाए, अगर समझ गए तो दिस इज़ ए पेन। आपको पहले ही पता करना है कि इसमें है कौन कौन नाउन, और अगर नाउन है भी तो कौन सा नाउन है, ये तो पता चले। माई विलेज इज़ गुड, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग नाउन प्रोनाउन आगे बढ़ेंगे, पता नहीं चल रहा है नाउन है क्या। माई शर्ट इज़ न्यू, और आगे बढ़ते हैं। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, दिस इज़ ए मैंगो, दिस आर बुक्स, शीला शीला इज़ ए नर्स। थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब है, जल्दी जल्दी में लिख भी रहे हैं तो एडजस्ट कर लीजिएगा। द रोज रोज इज रेड, सॉरी रेड, तो फिर वही ग्रीन कलर से घेरेंगे। नाम 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 कहाँ है, नाम किधर है इसमें, इंडिया नेम है देश का, और कहाँ नाम है, शीला नाम है देश का। तो ये जो ग्रीन कलर से हम घेरे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ग्रीन कलर से जो घेरे हैं किसी का खास नाम है, और खास नाम है मतलब प्रॉपर नाउन होगा, और जिसको नॉर्मली हम लोग गिन सकते हैं, जिस चीज़ को, चीज़ होना चाहिए। अब कहेगा गुड, गुड कोई चीज़ नहीं, अच्छा एडजेक्टिव है, पढ़ाएंगे एडजेक्टिव है। पेन बॉक्स विलेज को गिन सकते हैं, काऊ को गिन सकते हैं, शर्ट को गिन सकते हैं, यहाँ पर मैंगो को गिना जा सकता है, बुक्स को गिन सकते हैं, भले ही ढेर सारे लेकिन गिन सकते हैं, नर्सेस को गिन सकते हैं, रोज को गिन सकते हैं। जो ब्लू कलर से हम सर्कल कर रहे हैं वो हो गया कॉमन नाउन। तो आज हम आपको सिर्फ इतना ही बतलाएं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। देखिए कॉमन नाउन का मतलब है जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, और प्रॉपर नाउन है कि जिन चीज़ों को हम गिने या नहीं गिने ये फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसका खास नाम है उसका ही खास, जैसे मेरा खास नाम है अक्षय सर या अक्षय है तो हम प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन हम हैं क्या, मेरा कॉमन नाम क्या है, लड़का, हम लड़का हैं, आदमी हैं तो लड़का हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि लड़के को आप गिन सकते हैं, पहचान यही है। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस हो गया, आज यहीं तक, आगे फिर और भी कल लेके चलेंगे। कल हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ नाउन, आज टाइप्स नहीं बताएं, आज सिर्फ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझा रहे थे हम। है दोनों नाउने के भेद, जो बताएं कॉमन वो भी नाउन का ही भेद है, जो हम प्रॉपर नाउन बोले वो भी नाउन का ही भेद है, और भी तीन गो है जिसके बारे में आपको जानकारी हम कल देंगे। आज इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।